नमस्कार, मैं शिवम, आप देख रहे हैं सिमरा दर्पण न्यूज। मैं आपको उत्तर प्रदेश की राजनीतिक कहे जाने वाले रायबरेली जिले में जो 9 अक्टूबर को दर्दनाक हादसा हुआ था उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आखिर क्या गुजरता है उस माँ पर जिसका इकलौता चिराग होता है और कुछ हो जाता है उसको, क्या बीतती है उस बहन पर जो इकलौता भाई होता है और वो गुजर जाता है। कुछ ऐसा ही वीडियो हम आपको दिखाएंगे जो कि 9 अक्टूबर को एक दर्दनाक हादसा हुआ था। आदित्य सिंह उर्फ रवि, उनकी बहन का एक लाइव वीडियो हम आपको दिखाएंगे। वो अपना दर्द कैसे रो रो के बयां कर रही उस वीडियो में, यह हम आपको दिखाएंगे। आप देखेंगे ये चीज़ कि कैसा मातम सा छाया है पूरे परिवार में और एक खुशहाली, एक घर का चिराग चला गया है और ये बहुत दर्दनाक हादसा उत्तर प्रदेश के रायबरेली। दूषित मानसिकता के लोगों द्वारा समाज को बांटने की साजिश की जा रही है। मेरी लड़ाई सिर्फ उन अपराधियों से है, ना कि किसी जाति या समुदाय से है। ये दर्द एक माँ का है जिसने अपना एक लौता बेटा खोया है। ये दर्द उन तीन बहनों का है जिसने अपना एक लौता भाई खोया है। ये दर्द उस पिता का है जिसने अस्तित्व।